श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षा, कंस ने देवकी के 6 पुत्र जान से मार डाले। 7वां गर्भ होता है, भगवान की माया ने काम किया, उस गर्भ को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जहां पर बलराम नाम का बेटा पैदा हुआ। अब नंबर आता है 8वें गर्भ का। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहां पूरी तरह से तैयारी है। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़कर जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, धक्का देकर के इसने काल कोठरी में डाल दिया और बड़ी कड़ी व्यवस्था कर दी है। एक एक पहरेदार की जगह 4-4 पहरेदार हैं, एक एक ताले की जगह 4-4 ताले लगे हैं। पहरेदार के पैरों के पास में कुत्ते सो रहे हैं, ऐसी कड़ी व्यवस्था इस कंस ने की है। धीरे धीरे भादों का महीना आ गया, दिन अष्टमी है, रात आधी होने जा रही है, थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, चंद्रमा मुस्कुराता हुआ निकल रहा है। उसी बीच देवकी वसुदेव ने देखा, एकदम से जेल की दीवार चमकने लगी। देखा कि एक बड़ा सुंदर नौजवान है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, हाथ में शंख चक्र गदा है, गले में बैजंती मालाएं पड़ी हैं, पैरों के पास में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब देवकी वसुदेव ने यह देखा, दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु इस कंस में, इस कोठरी में कंस 6-6 महीने तक झाड़ू नहीं लगवाता है, आप यहां कैसे आ गए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान ने हंस करके कहा, सेवा करवाने नहीं, सेवा तो मैं तुम्हारी करने आया। पहले रातों ही रात में हमें किसी तरीका से गोकुल में पहुंचा दो, मैं कसम खाता हूं बड़ा हो जाऊंगा, ये हथकड़ी बेड़ियां जल्दी से ही तोड़ दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। और उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला करके छोड़ूंगा। इतना कहकर के भगवान शिशु रूप धारण कर लेते हैं और देवकी की गोदी में आकर के लेट जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जो भी हमारे व्यवस्थापक भैया हैं, आपसे निवेदन कि आप माताओं के बीच में से आप खुद ही लाइन बना लीजिए, एक यहाँ से और एक इधर से, जिससे कि आपके बीच में से वसुदेव निकल सके। माताओं से निवेदन, आप अपने बीच में से जगह बना लीजिए, अरे लाइन बना लीजिए, जिससे वसुदेव निकल जाए। आइए थोड़ी थोड़ी जगह खाली कर दो बीच से। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, एक बार जोरदार ताली के साथ भगवान के अवतार के उपलक्ष में, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, ओ सबको बहुत बधाई है, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए बाल कृष्ण भगवान।
जोर से तालियों का। और जिस जिसको कन्हैया के अवतार की खुशी है एक बार जोरदार ताली के साथ। अरे बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है, जेलो में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको, बहुत बधाई है, जेलो में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको, बहुत बधाई। निवेदन है आपसे, मैंने परसों कहा था ना खाली हाथ मत आना, कन्हैया का अवतार होगा। सोच रही हूँ अब कल का दिन तो निकल गया। देखो भगवान कन्हैया को केवल दक्षिणा भेंट करना है और जो भी प्रसाद लेके आई है वो जरा मंच पर चढ़ा देंगी। अभी केवल कन्हैया को दक्षिणा भेंट करें, दर्शन करें, पैर छुएं, अपनी जगह पर ही बैठ जाए। अभी केवल इतना करना है। वसुदेव जी से निवेदन कि झांकी सभी के पास होनी चाहिए, सभी भाइयों के पास, सभी माताओं के पास, सभी से निवेदन आप लोग कन्हैया के दर्शन सभी करेंगे और जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो माताएं बैठ जाएंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और व्यवस्थापक भैया आप माताओं को बिठाते भी जाइए। जो ये माताएं दर्शन कर चुकी हैं आप लोग से निवेदन है कि आप बैठ जाइए। आज उसी समय भगवान ने कहा कि आप हमें रातों ही रात में किसी तरीके से गोकुल में पहुंचा दो। भगवान शिशु रूप धारण कर लेते हैं, देवकी की गोदी में लेट जाते हैं। उसी समय वसुदेव बेड़ियों से मुक्त हुए, छोटे से बालक को सूप में लिटाया और वसुदेव वहां से जेल
से निकलकर यमुना मैया के किनारे पहुंचे। वो खुल गए साले ताले, हाय क्या बात हो गई। वो खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई। जब से जन्मे ले जाइए, इधर से निकालिए, इधर से ऐसे घूम कर आएंगे, ऐसे जगह देते जाओ। और ये माताएं खड़ी, आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। भक्त लोग खड़े हैं, आप भी बैठ जाइएगा। सभी भाइयों के पास, सभी माताओं के पास होना चाहिए। सभी से निवेदन कि कन्हैया के दर्शन सभी करेंगे। वो खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया दर्शन कर लिए हैं, बैठ दी जाएं, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो खड़ी होती जाएं। हो हाँ को दिखाना जन्म लिए गाना, द्रौपद जमाना पुराना। हो ताले लगाना, वो पहरे बिछाना, कंस का जुलुम उठाना।
चलते हुए भक्तों के पास से निकलते हुए, और जिनको भी दर्शन करना है वो दक्षिणा चढ़ा दीजिए, पैर छू लीजिए, अपनी जगह पर ही बैठ जाइएगा। फिर बसते पीछे सोकर इधर की माताओं के पास आएंगे। हो खुल गए सारे तारे, हाय क्या बात हो गई। खुल गए सारे तारे, हाय क्या बात हो गई। जब से जन्मे है कन्हैया काला बात हो गई। जब से जन्मे है कन्हैया आधी रात हो गई। बोलियो बाजा बिहारी लाल की।
वसुदेव की पिटाई लगा रहे हैं। आज वसुदेव जैसे ही श्याम को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना मैया ने देखा कि कन्हैया तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं, तो हुआ क्या का आवत देखो तो यहाँ चाकर चढ़िया बैठती जाएगा।